अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख। और 20 मई को लॉन्च किया गया था शाओमी का रेडमी नोट 7S। तो उसके बाद से ही बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बातें करने लगे। जैसे कि सबसे पहली बात तो ये थी कि जब रेडमी नोट 7S को लाना ही था तो उन्होंने रेडमी नोट 7 को क्यों लाया, जबकि दोनों के हार्डवेयर बिल्कुल सेम है, स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सेम है, बस कैमरा का डिफरेंस है, तो शाओमी ऐसा क्यों कह रहा है। तो उसके बाद शाओमी का एक जो है स्टेटमेंट आया जो कि उनके चीफ की तरफ से, और ये स्टेटमेंट ये था कि जो शाओमी का रेडमी नोट 7S है वो रिप्लेस कर देगा रेडमी नोट 7 को। तो इसके बाद से पूरा का पूरा हड़कंप मच गया और जो लोग Redmi Note 7 खरीदे हुए हैं उनके दिल में बहुत सारी बातें आने लगी, बहुत सारा सवाल आने लगा, और साथ ही साथ मुझे भी बहुत सारे लोग पिंग करने लगे कि क्या ये बात सच है, शाहरुख भाई बता दो। तो लोगों का ऐसा कहना था कि शाहरुख भाई बता दो, क्या Redmi Note 7 को डिसकंटिन्यू किया जा रहा है, क्या ये बात सच है। देखिए दोस्तों, मैं भी यही कहना चाहता हूं कि जी हाँ, ये बात सच है, लेकिन पूरी तरह से सच नहीं है। डिसकंटिन्यू करने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल उसमें अपडेट ही नहीं आएगा, डिसकंटिन्यू करने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल उसे निगलेक्ट कर दिया जाएगा, डिसकंटिन्यू करने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ सेलिंग में जो है उसे बंद किया जाएगा। यानी कि Redmi Note 7S के स्टॉक आएंगे लेकिन Redmi Note 7 के स्टॉक नहीं आएंगे, और हो सकता है कि अगले 2 या 3 सेल के बाद ही Redmi Note 7 बिकना ही बंद हो जाए। तो यहां पे ये पॉसिबिलिटी है। ये मत सोचिएगा कि अपडेट आना बंद हो जाएगा, ये सोचिएगा कि दोस्तों कि Redmi Note 7 जो है बिकना बंद हो जाएगा और उसके जगह पे Redmi Note 7S बिकेगा, ऐसा Xiaomi वाले कह रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल ही सच है। लेकिन दोस्तों, लेकिन जैसा कि Xiaomi का हिस्ट्री रहा है कि हर एक फोन में वो अच्छे से अपडेट देते हैं, क्या इस फोन के साथ भी वैसा हिस्ट्री रहेगा? जी हाँ दोस्तों, मैं ये बात मानता हूं कि हर एक फोन में बहुत ही अच्छे से अपडेट देते हैं, बट दोस्तों कुछ ऐसे फोन भी है जिसे Xiaomi ने बहुत ज्यादा निगलेक्ट किया है, जैसे कि Redmi Note 5। आपको याद होगा कि Redmi Note 5 Pro और Redmi Note 5 दोनों ही फोन एक साथ लॉन्च हुए थे। Redmi Note 5 Pro को काफी अच्छे अपडेट्स मिलती है लेकिन Redmi Note 5 को उतनी अच्छी अपडेट नहीं मिलती और Xiaomi जो उसे निगलेक्ट करता है, और यही किस्सा सेम हो सकता है Redmi Note 7 के साथ। दोस्तों Redmi Note 7 एस, Redmi Note 7 Pro को हो सकता है कि लगातार अपडेट अच्छे अच्छे मिले, लेकिन हो सकता है कि Redmi Note 7 को निगलेक्ट किया जाए। लेकिन अगेन Xiaomi है तो भरोसा है, इसलिए अभी ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। उसके बाद दोस्तों, यहां पे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि Black Shark 2 कब आएगा, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि 27 मई को आएगा, लेकिन उससे भी ज्यादा सवाल लोगों का ये आ रहा था कि Redmi का K20 Pro कब आएगा। तो वो भी ऑफिशियली रिवील हो चुका है कि 28 मई को Redmi का K20 Pro आएगा, यानी कि Black Shark 2 इंडिया में आएगा 27 मई को और दोस्तों Redmi का K20 Pro चाइना में आएगा 28 तारीख को। तो यहां पे इंडिया लॉन्च और चाइना लॉन्च में एक दिन का फर्क है, लेकिन दोस्तों Redmi K20 Pro इंडिया में कब आएगा इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, और Poco F2 इंडिया में कब आएगा इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल, जब भी न्यूज आएगा मैं आपको जरूर बता दूंगा। उसके बाद दोस्तों, आपको पता होगा कि यहां पे जो है कुछ दिन पहले नहीं दोस्तों, कहेंगे कल ही लॉन्च हुआ नोकिया का 3.2, तो वो फोन मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आया, मैं उसके बारे में ओपिनियन नहीं देना चाहता दोस्तों, बस इतना कहना चाहता हूं कुछ पसंद नहीं आया। 10,000 रुपए में HD+ रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन मिल रहा है, स्नैपड्रैगन 429 का प्रोसेसर मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि नोकिया का 3.2 कोई भी सक्सेस है। शुरू में नोकिया जब फोन ला रहा था तो काफी अच्छे अच्छे फोन लेकर के आ रहा था, काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे करके फिर से नोकिया लेजी होते जा रहा है और पुराना रंग जो है दिखाते जा रहा है। मैं कहूंगा कि नोकिया पुराने रास्ते पे मत चलो, सुधर जाओ ज्यादा सही होगा। उसके बाद दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी न्यूज ये आ रही है कि गैलेक्सी का M40 आने वाला है सैमसंग का। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग का गैलेक्सी M10, M20, M30 तीनों ही फोन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तीनों ही फोन बहुत ही अच्छे हैं। हालांकि फिर भी कंपटीशन में उतरने के लिए और भी ज्यादा इन्हें इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों लेकिन M40 के बारे में जहां तक लीक आ रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि जी हाँ, यहां पे जो है सैमसंग ने काफी ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश की है। तो लीक में तो सबसे पहला चीज यह आ रहा है कि यह पहला ऐसा फोन होगा जो कि 15,000 के अंदर आपको पंच होल डिस्प्ले देगा। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने जितना भी फोन देखा होगा जो बजट कैटेगरी में, किसी में भी पंच होल डिस्प्ले नहीं है, सब में दोस्तों आपको मिल जाता है नॉच वाला डिस्प्ले या फिर आपको कुछ और तरह के तिगरमबाजी वाला जो है डिस्प्ले मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको पंच होल वाला डिस्प्ले मिलेगा, यह काफी अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों, इसके बारे में और सुनने वाला कि इस बार एक्साइनोस का प्रोसेसर ना देकर सैमसंग देगा दोस्तों स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर, और जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होगा वो होगा 700 सीरीज का प्रोसेसर। अब 710 भी हो सकता है, 712 भी हो सकता है, 730 भी हो सकता है, तो ये सैमसंग ये जाने कि कौन सा प्रोसेसर लाने वाला। तो सैमसंग हो सकता है कि सैमसंग गैलेक्सी M30 के साथ, M40 के साथ काफी ज्यादा कमाल करें। उसके बाद दोस्तों, एक और न्यूज आपको जरूर पता होगा, आए दिन में दोस्तों आपको जानते ही होंगे कि हुआवे को बैन कर दिया गया है, यानी कि हुआवे को गूगल ने बैन कर दिया है और भी किसी किसी कंपनी ने बैन कर दिया है, क्योंकि उनके ऊपर US ने एलिगेशन लगाया, ये जो अपने डेटा को जो है सेंड करते हैं चाइना के सर्वर पे, और उसके बाद हुआवे को जो है बिल्कुल ही हटा दिया गया। तो सबसे पहले तो इन्हें एंड्रॉयड का अपडेट का मिलना में प्रॉब्लम होगा, उसके बाद गूगल प्ले स्टोर पे तो इनका जो है कोई नामो निशान नहीं रह जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। तो ये सब कुछ चीजें हैं दोस्तों। तो यहां पे हुआवे ने उसके बारे में क्या कहा है, तो सबसे पहले तो कहा है कि US जो है वो हमें बुली कर रहा है। बुली करने का मतलब क्या है कि वो हमें जो है तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। यानी कि अगर आप स्कूल में जाते हैं और देखते हैं कि कोई सीनियर बच्चा है वो आपका रैगिंग वगैरह करता है तो उसे कहते हैं बुली करना है, वो आपको परेशान करता है तो उसे कहते हैं बुली करना। तो उसी तरह से यहां पे हुआवे कह रहा है कि US हमें बुली करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, लेकिन हुआवे ये भी कर रहा है कि
कोई बात नहीं, अगर ऐसा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, हम अपना ही एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आएंगे, हम अपना ही एक अलग ही दोस्तों एंड्रॉयड का एप्लीकेशन स्टोर के साथ आएंगे। तो वो लोग दोस्तों बात कर रहे हैं ऐप टू आइड के साथ, ऐप टू आईडीई कहेंगे या फिर दोस्तों ऐप टू आइड कहेंगे, आपने जरूर इस एप्लीकेशन स्टोर का नाम सुना होगा जो कि ऐप स्टोर है एंड्रॉयड के लिए। तो हुआवे उनके साथ काम कर रहा है और वो लोग चाहते हैं कि प्ले स्टोर जैसे इन्वायरमेंट बनाया जाए और एक अलग ही प्ले स्टोर जैसा जो है हुआवे की तरफ से बिल्कुल आए। तो आपको पता होगा कि दोस्तों शाओमी के फोन्स में होते हैं एमआई का ऐप स्टोर जिससे आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस ऐप स्टोर में बहुत सारे एप्लीकेशन ऐप टू आइड की तरफ से ही डाउनलोड होता है। तो यहाँ पे हुआवे भी कुछ ऐसा ही करना चाहेगा, हुआवे का खुद का अपना जो है ऐप स्टोर लाना चाहेगा ऐप टू आइड से मिल करके। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चीज क्या है, तो गूगल का ड्यू अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो अभी तक अगर आप वीडियो कॉलिंग करेंगे तो दो लोग कर सकते थे, तीन लोग और चार लोग कर सकते थे। तो मैक्सिमम दोस्तों चार लोग एक साथ बात कर सकते थे, लेकिन गूगल ड्यू अब टेस्टिंग कर रहा है कि आप लोग जो है मैक्सिमम आठ लोग एक साथ जो है बातें कर सके वीडियो कॉलिंग के ऊपर। तो ये काफी अच्छी बात हो जाएगी वीडियो कॉलिंग के लिए और उनके लिए जो लोग ऑफिशियल में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है दोस्तों, तो आपको पता होगा कल ही लॉन्च हुआ है ऑनर 20, ऑनर 20 प्रो, ऑनर 20 लाइट, ये तीनों फोन लॉन्च हुए हैं। तो ऑनर 20 प्रो और ऑनर 20 में दोस्तों आपको मिल जाता है क्वाड कैमरा बैक में, और क्वाड कैमरा का भी दोस्तों काफी झकास है, सोनी का MX586 सेंसर, एक 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस है, एक दोस्तों आपको 3x जूम ऑप्टिकल जूम लेंस मिल जाता है और एक आपको पता नहीं कौन सा सेंसर मिल जाता है। तो यहाँ पे चार अलग अलग सेंसर दिया गया है, फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए क्वाड कैमरा कहाँ तक ऊपर जाता है, ये हुआवे के जो फोन से वो स्टार्ट होते हैं लगभग दोस्तों 20,000 रुपए से, यानी कि ऑनर 20 लाइट जो है लगभग 25,000 में मिलेगा। उसके बाद दोस्तों 40,000 में आपको मिल जाएगा ऑनर 20 और उसके बाद 50,000 में मिल जाएगा ऑनर 20 प्रो। तो ये देखिए इसके बारे में और क्या चीजें होती है। नेक्स्ट चीज क्या दोस्तों, तो आपको पता होगा इंस्टाग्राम में यूट्यूब को टक्कर देने के लिए आज से 4-5-6 महीने पहले अपना एक लॉन्च किया था एप्लीकेशन जिसका नाम है IGTV। तो उस पर मैं भी वीडियो बनाया करता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उससे मेरा भी दोस्तों मन भाग गया था क्योंकि मुझे भी उतना ज्यादा पसंद नहीं आया था। तो फिर बाद में जो है IGTV ने खुद को सुधारा और उन्होंने अपना जो इंटरफेस है यूजर इंटरफेस बिल्कुल टिकटॉक की तरह कर लिया है। तो अब अगर आप IGTV यूज करेंगे तो आपको बिल्कुल ही टिकटॉक वाली फीलिंग आएगी, बिल्कुल वैसे ही UI कर दिया गया, वैसे ही डिजाइन कर दिया गया है। पहला वाला जो डिजाइन था वो दोस्तों वो भी मुझे उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा था, आप टिकटॉक की तरह कर दिया तो चलो कम से कम कुछ तो इंप्रूवमेंट किया है। तो ये बातें हैं। उसका दोस्तों नेक्स्ट चीज क्या है, तो एडोबी ने लॉन्च कर दिया एंड्रॉइड के लिए अपना ही एक वीडियो एडिटर। पहले भी था दोस्तों एडोबी का एक और था, पता नहीं क्या नाम था, एडोबी का प्रीमियर क्लिप नाम से था एप्लीकेशन। तो वो एप्लीकेशन उतना ज्यादा नहीं चली, उतना ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने जो है एक और क्रॉस प्लेटफॉर्म पर जो है इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसका नाम है एडोबी प्रीमियर रश। लेकिन दोस्तों ये काफी ज्यादा हेवी वीडियो एडिटर है, हालांकि नहीं पता कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, लेकिन एडोबी कहता है कि काफी अच्छे फीचर्स होंगे और आप जो है प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों लेकिन अभी ये सभी डिवाइसेस के लिए अवेलेबल नहीं है, यानी कि मैं अपने पोको फोन पे भी ट्राई किया डाउनलोड करने, तो गूगल प्ले स्टोर पे लिख दिया कि ये आपके फोन के लिए सपोर्टेड नहीं है, तो मुझे अलग से APK डाउनलोड करके चेक करना पड़ेगा। हालांकि मैंने अभी चेक नहीं किया लेकिन चेक करके बता दूंगा। तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि इससे जो है और भी ज्यादा फोन में सपोर्ट कराना चाहिए अगर Adobe ऐसा चाहता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छे अच्छे वीडियो को जो है एडिट कर पाए। तो बाकी के लिए दोस्तों आज का इस वीडियो में बस इतना ही, मुझे यही सब चीजें बातें करनी थी। और अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव हो, कुछ भी अगर आप मुझसे बोलना चाहते हो तो जरूर बोलिए और बताइए कि मेरा जो वीडियो है आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो आज के वीडियो देखने शुक्रिया, अगर वीडियो पसंद नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस पे लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।